शीट नंबर 28 में पोटेंशियोमीटर की प्रॉब्लम में क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 1 मीटर है, तो ये रही पोटेंशियोमीटर वायर, इसकी लेंथ क्या है, 1 मीटर है एंड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम है। ये सीरीज में कनेक्टेड है विद अ रेजिस्टेंस एंड अ बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। किस बैटरी की बात कर रहे हैं, नीचे वाली की ऊपर वाली, बैटरी तो दो में नीचे भी है ऊपर भी है, ऊपर वाली, नीचे वाली तो सीरीज पैरेलल में होती है, ये तो इसके साथ पैरेलल में है, तो जब भी वो वर्ड यूज करेगा कि पोटेंशियोमीटर की वायर सीरीज में है विद सम बैटरी, तो हमेशा पोटेंशियोमीटर की बैटरी की ही बात करेगा, तो पोटेंशियोमीटर की वायर सीरीज में है विद कैपिटल आर एंड 2 वोल्ट, ठीक है यहां तक। अब वो क्या कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ EMF 10 मिली वोल्ट, तो नीचे सोर्स लगाया 10 मिली वोल्ट और बैलेंस्ड अगेंस्ट लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो इसको बैलेंस किसने किया, 40 सेंटीमीटर लेंथ के साथ बैलेंस हो गया, ये क्या निकालना है आपको, कैपिटल आर निकालना है, क्या होगा इसमें, तो रूल वही है कि अगर नीचे 10 मिली वोल्ट है तो ऊपर भी बैलेंसिंग लेंथ पे 10 मिली वोल्ट है, तो यहां पर अगर 10 मिली वोल्ट है तो ओम नो लगाएं, यहां पर 10 मिली वोल्ट इज इक्वल टू यहां का करंट इनटू इतने पोर्शन की रेजिस्टेंस, यहां का करंट क्या होगा, ये रहा, यहां का करंट क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय इसके रेजिस्टेंस 10 प्लस आर, तो करंट आ गया, ओम लॉ लगाएं यहां पर 10 मिली वोल्ट नीचे तो ऊपर भी सेम है, 10 मिली वोल्ट इज इक्वल टू करंट आई इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, तो करंट आई की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाय आर प्लस 10 और रेजिस्टेंस 40 सेंटीमीटर की क्या होगी, अगर 100 सेंटीमीटर लेंथ है तो रेजिस्टेंस 10 ओम है, 1 है तो 10/100 है और 40 सेंटीमीटर है तो इनटू 40 से मल्टीप्लाई किया 4 ओम है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या पुट कर दी यहां पर 4, सॉल्व करके क्या निकाल लिया आपने आर आंसर, कोई डाउट इसमें, तो क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक, कैपिटल आर की वैल्यू कैसे निकली, क्लियर है, ठीक, रूल वही है, जो नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस है वही ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस है और यहां पर क्या लगेगा, ओम्स लॉ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फिर से एक पोटेंशियोमीटर का डायग्राम गिवन है, इस पोटेंशियोमीटर में जो मुझे दिख रहा है 2 वोल्ट गिवन है, मुझे इसमें रेजिस्टेंस पता है, मेरे को इसमें नीचे एक डायग्राम गिवन है जिसमें ये बैटरी 1.5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है और एक्सटर्नल भी गिवन है, मुझे इसमें क्या निकालना है, ये ए बी लेंथ है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और रेजिस्टेंस इसकी 10 ओम है, मुझे निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट ए बी का, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर, और साथ में मुझे क्या निकालना है, लेंथ ए ओ, तो मुझे ए ओ की वैल्यू निकालनी है, वन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो बैलेंसिंग लेंथ निकालनी, अब बैलेंसिंग लेंथ बैलेंस किया किसे जा रहा है, कितने वोल्ट को, 1.5 वोल्ट को, यस कि नो, 1.5 वोल्ट को बैलेंस किसे कर रहे हैं, 1.5 वोल्ट को, नीचे बैटरी 1.5 वोल्ट को, हां कि ना, ना ना, आंसर नो है, ऑनलाइन कितने वोल्ट को बैलेंस कर रहे हैं ऊपर, 1.5 वोल्ट को, यस सर 1.5, नहीं कर रहा, यहां पर 1.5 आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बैटरी में से करंट नीचे जा रहा है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 से क्या आएगा, कम आएगा, 1.5 कैसे आएगा, 1.5 तो तब आता है जब अकेली क्या लगी होती है, बैटरी, और जब करंट बाहर नहीं निकल रहा होता, इसमें क्या है, नीचे से करंट बाहर निकल रहा है, घूम रहा है, और जब भी बैटरी का करंट बाहर निकलता है तो पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 नहीं आएगा, 1.5 से कम हो जाएगा, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये बैलेंसिंग लेंथ ए ओ पे क्या आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि क्या होता है बताओ, इसमें अगर करंट आई डैश घूम रहा है और इसमें अलग आई घूम रहा है, बैलेंसिंग लेंथ के ऊपर क्या होता है, ऊपर का करंट ऊपर, नीचे का करंट नीचे, तो इतने पोर्शन में अगर करंट आई डैश है तो इसमें V क्या डेवलप होगा, 1.5 नहीं होगा, 1.5 माइनस आई डैश इंटू 1.2 आर, तो पॉइंट समझ में आया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या डेवलप होगा, ई माइनस आई आर, क्लियर है यहां तक, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई इसमें, ई माइनस आई डैश इंटू R का मतलब 1.2, क्या है पॉइंट, क्लियर है, क्योंकि 1.2 इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, राइट,
तो मुझे समझ में आ गया कि ऊपर 1.5 नहीं आएगा, 1.5 माइनस आई डैश इंटू 1.2, और आई डैश क्या आएगा, आई डैश होगा 1.5 डिवाइडेड बाय 1.2 प्लस 0.3 यानी कि 1 एम्पियर। तो यहां पर क्या आएगा, ई माइनस आई डैश इंटू आर, आई डैश की जगह कितना 1, तो आंसर क्या आ गया 0.3 वोल्ट। तो क्या है पॉइंट, क्लियर है? तो इसके अंदर जो V डेवलप हो रहा है वो 1.5 डेवलप ही नहीं हो रहा है, यहां पर, यहां पर क्या आएगा 0.3 वोल्ट सिर्फ। क्लियर है यहां तक? अब शुरू करो, AO निकालना है, यहां 0.3 वोल्ट है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट I इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ AO, तो 0.3 वोल्ट यहां डेवलप होगा। तो 0.3 वोल्ट जो यहां डेवलप होगा, यहां पर जो 0.3 वोल्ट डेवलप होगा, ये क्या होगा, ये होगा रेजिस्टेंस I इन, जो करंट I इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ AO। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो 0.3 इज करंट I इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ AO, तो 0.3 I करंट क्या होगा, यहां पर I करंट क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 15 प्लस ये रेजिस्टेंस जो कि कितनी है 10। तो यहां पर क्या आएगा, I की जगह 2 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 10, और रेजिस्टेंस AO की क्या होगी, देखो ये पूरी लेंथ अगर 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर है, तो रेजिस्टेंस 10 ओम है, 1 है तो 10 बाय 100 है, और AO लेंथ है तो 10 बाय 100 इंटू AO है, तो रेजिस्टेंस आ गई AO की। ठीक, कैसे, 100 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस गिवन है तो AO की फॉर्म में आ गई। यहां पे पुट कर दे, सॉल्व करो, आंसर AO आ गया। फिर से ओम लॉ ही तो लगा, मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से पहले V निकाल लिया, V 0.3 वोल्ट आ गया, 0.3 वोल्ट पे यहां ओम लॉ लगा दिया, करंट I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ AO, तो आई आपने इसका अलग निकाल लिया और AO की रेजिस्टेंस आपने इसकी प्रोपोर्शनैलिटी से निकाल ली और यहां पर पुट कर दिया, आंसर आ गया। मेथड सबको समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें? देखो मैं कोई फॉर्मूला लगा नहीं रहा कोई भी, हालांकि बुक्स के अंदर फॉर्मूला ही फॉर्मूला लगे हुए हैं, पर मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, बस मैं हर क्वेश्चन में कोशिश कर रहा हूं कि ओम लॉ लग जाए, बात खत्म। क्लियर है यहां तक? ठीक, इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि नीचे अलग सर्किट है, ऊपर पोटेंशियोमीटर है, अगर इसको छोड़ दो, बस ये बताओ कि अगर ये बैटरी करंट बाहर निकाल रही है तो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1.5 नहीं आएगी, इससे कम आएगी, ई माइनस आई आर। तो इसका आई डैश क्या है, 1.5 डिवाइडेड बाय 1.2 प्लस 0.3, 1 एम्पियर। तो ई माइनस आई आर से ये वैल्यू आ गई 0.3, तो यहां पर क्या डब्ल्यू हुआ 0.3, तो 0.3 ओम लॉ लगाओ, आई करंट जो इसमें जाएगा इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एओ। रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एओ क्या होगी, लंबाई इसकी एओ है, तो अगर टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो रेजिस्टेंस 10 ओम है, 1 है तो इतना, एओ है तो इतना, पुट करके आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देखें प्लीज। कितनों ट्राई किए वैसे ये शीट, नहीं की, क्वेश्चन पढ़े,
पोटेंशियोमीटर वायर कैरीज करंट, पोटेंशियोमीटर वायर कैरीज करंट, ठीक है, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 70 सेंटीमीटर ऑफ इट, 70 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ है, किसको बैलेंस कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम कॉइल सप्लाइड बाय अ सेल ऑफ 2 वोल्ट, कह रहे ये बैलेंस कर रहे हैं कैपिटल आर 2 ओम को जिसके साथ 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसको बैलेंस कर रहा है। अब मैं यहां कंफ्यूज हूं कि क्या मैं इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस लूं या ना लूं, उसने अभी तक मेंशन नहीं किया, तो अभी तक मैं अपने मन में नहीं लेके चल रहा। लेकिन जब मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा, वन वन ओम कॉइल इज प्लेस्ड इन पैरेलल विद 2 ओम कॉइल, जब मैं 2 के साथ 1 पैरेलल में लगाता हूं तो बैलेंसिंग लेंथ 70 की जगह 50 हो जाती है। तो जब मैं कैपिटल आर चेंज करता हूं 2 और 1 पैरेलल में, तो बैलेंसिंग लेंथ 50 हो जाती है। तो आपको ये बताना है व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 वोल्ट। हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी लेनी चाहिए, तो मैंने इसको क्या ड्रॉ कर दिया, स्मॉल आर। अगला क्वेश्चन जो माइंड में आपके आना चाहिए वो है क्या मैं रियोस्टैट लूं या ना लूं, क्योंकि बेसिक डायग्राम में रियोस्टैट होती है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल मेंशन नहीं रियोस्टैट, तो आप बिल्कुल ना लेना, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है रियोस्टैट की, लें या ना लें। जिनमें तो गिवन है, एक बैटरी के साथ सीरीज में रेजिस्टर्स कनेक्टेड है उनमें तो पक्का लेनी है, जिसमें उसने बात नहीं की ना मत लेना, उलझ जाओगे, रियोस्टैट्स का आंसर आएगा ही नहीं कभी, रियोस्टैट लेने से आंसर आएगा ही नहीं। ये मैं टेस्ट करके आ रखा हूँ, तो मैं ये टेस्ट जब मैं क्वेश्चंस कर रहा था सॉल्व, तो मैंने शुरू में रियोस्टैट लिया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जब एनसीईआरटी में सिखाया कि भैया रियोस्टैट तो होती है प्रैक्टिकली, तो मैं तो लूंगा ही। जब मैंने सॉल्व किया मेरे आंसर ही नहीं आ रहे, एक और वेरिएबल फंस गया रियोस्टैट जो गिवन ही नहीं है, आंसर कैसे आएंगे, मैं सॉल्व ही नहीं कर पाया। फिर मैंने 2-4 क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर मैंने एक रूल बनाया, वो मेंशन नहीं कर रहा ना, मैंने लेनी नहीं, वो मेंशन कर रहा है मैं लूंगा। क्लियर है यहां तक? तो मेंशन नहीं कर, अच्छा ही है ना, हटा दो। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर 2 वोल्ट है, करंट बाहर निकल रहा है, तो यहां पर 2 वोल्ट कभी भी डेवलप नहीं होगा, 2 से क्या होगा, कम होगा, कितना होगा, वी होगा, वी क्या होता है, ई माइनस आई आर। तो इसमें नीचे करंट क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस 2, तो करंट आ गया 2 अपॉन स्मॉल आर प्लस 2, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर डेवलप होगा, 2 माइनस आई इंटू स्मॉल आर, ये रहा, आई की वैल्यू पुट कर दी, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर डेवलप होगा, जो कितने सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है, 70 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है। क्लियर है? वी समझ में आया क्या इसमें यूज हो करेंगे? वी इसमें 2 वोल्ट नहीं यूज करेंगे, 2 से कम यूज करेंगे, 2 माइनस आई आर करेंगे, आई हम निकाल लेंगे, तो वी आ गया। अब मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो भी मैंने केस नंबर 1 में वी निकाला, बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 70 सेंटीमीटर, तो 70 सेंटीमीटर के प्रोपोर्शनल है इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, इस 2 ओम के साथ 1 ओम पैरेलल में लगा दो, 2 और 1 पैरेलल में, तो आंसर 2/3 आएगा। तो ये आपने क्या लगाया यहां पर, 2/3, तो क्या आ गया, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर प्रोपोर्शनल टू कितना, 50 सेंटीमीटर, क्योंकि सेकेंड नंबर केस में जो बैलेंसिंग लेंथ है 50 है। इन दोनों को डिवाइड करें, सॉल्व करें, स्मॉल आर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ें प्लीज। क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर वायर हैज 5 सेगमेंट्स ईच ऑफ लेंथ 1 मीटर,
तो पोटेंशियोमीटर की वायर है, इसके ना पांच हिस्से हैं, एक हिस्सा 1 मीटर लंबा है, तो पांच सेगमेंट 5 मीटर लंबे हैं, तो यानी कि पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी है, 5 मीटर की लेंथ है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर की लेंथ है। अब वो क्या कह रहे हैं इसमें, अ बैटरी इज यूज टू पास अ स्टेडी करंट थ्रू इट। तो इसके अंदर से स्टेडी करंट पास करने के लिए एक बैटरी लगाएगी। किस बैटरी की बात कर रहे हैं, नीचे वाली की ऊपर वाली? एक बैटरी लगाई गई जो पोटेंशियोमीटर वायर में करंट पास करेगी, नीचे वाली की ऊपर वाली? कितने लोग नीचे वाली, कितने ऊपर वाली? मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियोमीटर वायर में ये बैटरी बैलेंसिंग लेंथ पे करंट नहीं पास करेगी, क्योंकि गैल्वेनोमेट्रिक रीडिंग क्या जाएगी, तो इसका करंट तो वैसे यूज नहीं करता पोटेंशियोमीटर। तो ऑब्वियसली पोटेंशियोमीटर वायर में कौन करंट पास करता है, पोटेंशियोमीटर की बैटरी। तो ये पोटेंशियोमीटर बैटरी की बात कर रहा है। उसने क्या कहा, बैटरी, ये पहले पोटेंशियोमीटर की व्याख्या कर रहा है, भाई एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी ये लंबाई है, इसके पांच सेगमेंट हैं, इस वायर में करंट पास किया जाता है बाय सम बैटरी, तो ऑब्वियसली वो पोटेंशियोमीटर की बैटरी है, क्योंकि वायर में नीचे की बैटरी तो करंट कभी पास करती नहीं, पोटेंशियोमीटर की अपनी बैटरी पास करेगी ना, राइट। अब वो क्या कह रहा है, इट इज फाउंड दैट ईएमएफ ऑफ सेल कैन बी बैलेंस्ड एट 350 सेंटीमीटर फ्रॉम जीरो एंड। अब वो किस बैटरी की बात कर रहा है जो बैलेंस हो रही है, कौन बैलेंस हो रहा है, ये बैटरी। तो ये बैटरी कोई ईएमएफ जिसकी ई है वो 350 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग लेंथ लेके आती है। केस नंबर वन क्लियर। अब वो कह रहा है कि अगर मैंने पांच सेगमेंट की जगह चार सेगमेंट यूज किए, तो पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ मैंने चेंज कर दी, 500 सेंटीमीटर की जगह 400 सेंटीमीटर यूज कर दी, तो उस केस में आपको यह बताना है कि बैलेंसिंग लेंथ क्या रहेगी। अब दो केस बनेंगे, चलो पहला फर्स्ट केस करते हैं। पहले केस में इसकी लंबाई कितनी है, 500 सेंटीमीटर है, तो ये ई है। अगर ये ई है तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना डेवलप हो जाएगा, ई डेवलप हो जाएगा, तो यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस ई डेवलप हो जाएगा। तो इसका जो भी करंट आए होगा इसमें पास करेगा, तो ई क्या होगा, ई होगा करंट आई इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 350, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ 350 पे है, ई इज इक्वल टू आई इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 350। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में मान लेते हैं ये जो वायर है ना, ये वाली, इसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस नहीं बोला क्योंकि रेजिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है, तो मैंने इमेजिन कर लिया कि पर यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस इसकी आ रहा है, इमेजिन करो, तो 500 सेंटीमीटर की कितनी है, 500 आ रहा है, 350 सेंटीमीटर की कितनी है, 350 आ रहा है, 400 सेंटीमीटर की कितनी है, 400 इंटू आ रहा है, तो मेरे को किसकी निकालनी है, 350 की, तो 350 आ रहा है, और करंट क्या होगा इसमें, ई डैश डिवाइडेड बाय ये पूरी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस की लंबाई कितनी है, 500 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर इनटू आर, तो करंट आ गया, तो मल्टीप्लाई कर दिया आर से आर, कैंसिल इक्वेशन नंबर वन। ठीक, कैलकुलेशन शायद में कुछ गलती है, वो देख लेना क्या गलती है, ये फर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट हो गई। केस नंबर टू में वो कितने सेगमेंट यूज कर रहा है, चार, चार सेगमेंट का मतलब यहां पर जो करंट होगा वो ई डैश डिवाइडेड बाय 400 आर। अब नीचे ई तो ऊपर भी ई, और बैलेंसिंग लेंथ अब एल हो गई, तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, करंट आई डैश, आई डैश जो भी होगा, इन टू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एल। तो आई डैश तो निकाल लिया, रेजिस्टेंस एल सेंटीमीटर की एल आर, तो एक काम करो ये भी ई दोनों को इक्वेट करके आपके पास आंसर एल कैन बी कैलकुलेटेड। थोड़ी कैलकुलेशन बीच में मिस्टेक है वो छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या करना है, आइडिया क्लियर है सबको, ऑनलाइन क्लियर है?